राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के साथ आ गई एक नया ब्लॉग के साथ। आज राधा रानी मेरे साथ नहीं जाएगी क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होता है। आज विपत्ता में पूजा है और सुबह सुबह इसीलिए मैं तैयार हो गई, फिर पूजा भी कर ली हूँ और अभी फिर मैं मंदिर जाऊँगी। और इसके लिए क्या लगता है, मंदिर में पैसा दे दिया गया है तो वहाँ से प्रसाद हमको मिल जाएगा और घर से हम एक ठो सूता बना के ले जाएंगे जो पहनना पड़ता है। साल भर हाथ में सूता तो रखना पड़ता है। दिखाती हूँ आप लोग को। ये वाला सूता हाथ में रखना पड़ता है एक साल तक और इसमें दूरबा लगा के इसको तैयार करना पड़ता है, इसको ऐसे तैयार करना पड़ता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। अभी मैं छत आई हूँ, छत से थोड़ा सा फूल तोड़ेंगे और दुर्गा घास जो मेन पूजा में लगता है तो उसको भी तोड़ना है। तोड़ के दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए। थोड़ा सा लाल फूल तोड़ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन जितना भी हुआ है माँ का पूजा के लिए लग जाएगा। देखिए मेरा सूता, यहाँ से इसको गोल करके निकालना पड़ता है, फिर यहाँ से इसको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ले लिए, फिर यहाँ कट कर दिए, फिर यहाँ से इसको लेके फिर यहाँ भी काट दिए, फिर इसको रख दिए, इसको पूजा में लगेगा। फिर इसका देखिए इसको तेरा सूता कैसा किया जाता है। फिर देखिए जो दुर्गा सब है ये सब एक एक करके घुसाना पड़ता है। देखिए ठीक है, एक हो गया, ऐसे ही फिर ऐसे ही दो को इसको भी घुसाना पड़ेगा, ऐसे ही बीट मार के। मंदिर के लिए मेरा टाइम हो रहा है इसीलिए हड़बड़ी। मंदिर के लिए मेरा टाइम हो रहा है इसीलिए हड़बड़ी लग रहा है। देखिए इसको भी ऐसे घुसा देना है, ऐसा करके तेरा को एक मार देना है। ऐसा करके तेरा को देना है। ये देखिए जो सूता हम तैयार किए हैं वो सूता भी ले लिया, फिर इसके साथ ये सूता भी पूजा करने के लिए ले जाऊंगी क्योंकि साल भर पहनना होता है तो इसीलिए इसको भी ले जाऊंगी। दिया साथ में रख लिया और फिर ये पैसा, फिर अगरबत्ती और माचिस सब ले लिया मैंने। अब मैं मंदिर जाऊंगी और फिर मंदिर का भी दृश्य आप लोग के सामने दिखाऊंगी। अभी सुबह का कितना, अभी 7:45 तो नहीं होगा मंदिर में और थोड़ा सा देर हो जाएगा तो बहुत भीड़ हो जाएगा। फिर मैं अभी चलती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। मैं जा रही हूँ मंदिर, कितना कुछ लेना है जाकर। ये देखिए, लेकिन लगता नहीं है कि तालाब है, नीचे पानी है। और वो देखिए मंदिर, बजरंगबली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। और जो दीदी के साथ हम जा रहे हैं वो दीदी खड़ी है। धूप है, बहुत धूप है। चलिए फिर मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। We'll be right back.
पूजा हो गया है दीदी, और मैं अभी घर जाऊंगी। ये देखिए मैं मंदिर से आ गई हूँ, और ये देखिए पंडित जी ने मेरे हाथ में धागा बांध दिया है। अभी ये धागा 7 दिन रहेगा मेरे हाथ में, फिर इसको पानी में डालना पड़ेगा, फिर दूसरा बांधना पड़ेगा। फिर हम अभी राधा रानी को नहला दिए हैं, राधा रानी नहा लिए, राधा रानी को भी अभी हम बांधेंगे सूता। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। अभी देखिए राधा रानी को भी हम सूता बांधेंगे, राधा रानी का हाथ में देखिए राधा रानी भी बांध रही है सूता। अब राधा रानी को खाना देंगे, फिर राधा रानी के लिए अभी हम पूरी और हलवा बना रहे हैं। हलवा और पूरी बना के फिर हम राधा रानी को खिलाएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम हलवा कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। हलवा बन रहा है, हलवा के बाद पूरी बनाएंगे। देखिए आटा साना हुआ है, और फिर उसके बाद राधा को खाना दूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए राधा रानी मेरी खाएगी अभी, अभी राधा रानी को खिला लेती हूँ पहले। खाओ राधा रानी, खा लो। फिर थोड़ा सा खिला लेती हूँ, थोड़ा सा मीठा खिला देती हूँ। अब हो गया राधा रानी का खाना, अब राधा रानी को हम पानी पिला देती हूँ। देखिए राधा रानी पानी पिएगी। पी लिया राधा रानी पानी, अब राधा रानी थोड़ा सा बैठे, मैं खाना खाऊंगी। अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप से बात करती हूँ। नाश्ता हो गया, राधा रानी का भी हो गया, मेरा भी हो गया, सबको खा लिया है। अब फिर दोपहर का खाना बनाने में बाकी है, अभी टाइम लगेगा। आज हलवा पूरी ही खाना है, और कुछ नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा फल खा लूँगी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नया जो है आप सबको मिलके सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नया ब्लॉग के साथ आप लोग के पास आऊँगी। बाय।